बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अब नजदीक आता जा रहा है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे ही पार्टी की सरगर्मी तेज हो चुकी है। हर एक राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता चुनावी सभा में व्यस्त है और इसी क्रम में आज बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार पहुंचकर सासाराम में सबसे पहले अपने रैली को संबोधित किया। आपको बता दें कि अपनी जनसभा में पीएम मोदी ने सासाराम की रैली में नाम लिए बिना लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल किया तो वे बौखला गए। राजद ने 10 साल तक यूपीए सरकार का हिस्सा रहते हुए बिहार के लोगों पर गुस्सा निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीए राज में राजद की वजह से सीएम नीतीश कुमार के 10 साल बर्बाद हो गए। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि नीतीश जी को एक काम नहीं करने दिया गया। बाद में जब 18 महीने की सरकार बनी तो परिवार ने क्या क्या खेल किया सबको पता है। जब नीतीश जी इस खेल को समझ गए तो उन्हें सत्ता छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। आपको बता दें कि बिहार के भविष्य के लिए हम फिर नीतीश जी के साथ आए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पीएम बनने के बाद बिहार और केंद्र सरकार ने 3 साल तक मिलकर काम किया और अब हमारी सरकार आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण में जुटी है। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सासाराम में जन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार को डबल इंजन की ताकत मिली तो विकास की रफ्तार बढ़ गई। पीएम पैकेज के तहत हो रहे कामों की रफ्तार भी काफी तेज हो गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 23 अक्टूबर को बिहार की धरती पर विधानसभा चुनाव के लिए कदम रखा और बिहार आते ही उन्होंने 3 जगह रैलियां की। बिहार के सासाराम, गया और भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने लालू परिवार पर जमकर निशाना भी साधा। नेशन न्यूज की रिपोर्ट।